नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज खबर। यूपी के मऊ जनपद से है। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए लूट में शामिल दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस लाइन में एएसपी त्रिभुवननाथ त्रिपाठी ने बताया कि दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में, जिनके कब्जे से 1,15,000 रुपए, एक बैग, टैबलेट, दो मोबाइल फोन, एक बायोमेट्रिक मशीन और कागजात पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें, मोहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र में ये लूट की घटना हुई थी और पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। पहले वो वाला जी, ये दिनांक 27/12 को शाम को लगभग 6 बजे के आसपास खुरहट कस्बे के पास एक किंग्स ईडन स्कूल है, वहाँ की घटना बताते हुए एक गोपाल सिंह नाम के आदमी ने आया, बताया कि मैं समितियों से पैसा वसूल करके सोसाइटी से लेके आ रहा था और 1,30,000 रुपये मैं लेके आ रहा था। जहाँ किंग्स ईडन स्कूल के पहले बाग के पास 3 लोगों ने आ करके हमारा पैसा भरा बैग छीन लिया हमसे। इस बैग में उसका टैब भी था और एक मोबाइल भी था। तो इस घटना को जैसे ही वहाँ से किसी महिला का मोबाइल लेके बात किया था और उस महिला का मोबाइल लेने के बाद भी, बात करने के बाद भी काफ़ी देर तक ऐसे ही बिना किसी कार्य के काम में रुका रहा। इस पे शक के आधार पर हम लोगों ने जैसे ही काम शुरू किया और इसको पकड़ करके कायदे से पूछताछ की गई तो ये खुद टूट गया और इसने खुद बताया कि मैंने ये पूरा, एक आदमी है आशीष मिश्रा, उसके सहयोग से ये पूरी घटना हमने कारित की है और इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसके पास से वो पूरा पैसा 1,30,000 में से 1,15,000 बरामद हो गया। वो टैब जो इसने, जिससे इसे छीना गया था, वो पहले ही ये लोग रेलवे ट्रेन के किनारे फेंक के चले गए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था। इस तरह से इस घटना का अनावरण हुआ है।